अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया है और मैं ग्रीन स्टार में क्वालिटी और ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ केयर यानी कि देखभाल के तसलसल की। इससे मुराद है कि जब सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट को कोई भी सर्विस मुहैया करे तो उसकी फॉलोअप केयर तक रसाई को यकीनी बनाए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि दी गई हुई सर्विस से तसल्ली बख्श नतायज को हासिल किया जा सके। अगर दी गई सर्विस के नतीजे में क्लाइंट को कोई नाखुशगवार वाकया या गैर मतलूबा तिब्बी नतायज का सामना हो तो ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी है कि सर्विस प्रोवाइडर के पास मुनासिब रेफरल सिस्टम का इंतज़ाम मौजूद हो। इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि सर्विस देने के बाद ज़रूरी हिदायत और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया जाए। क्लाइंट को किस सूरत में फ़ौरन तिब्बी मुआयने के लिए वापस आना चाहिए, इसकी मालूमात क्लाइंट को दी जानी चाहिए। इस मकसद के हसूल के लिए रेफरल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दी गई सर्विस से मुतलिक ज़रूरी मालूमात और फॉलोअप केयर की डेट का इंदराज शामिल है। दोबारा वापस आने की सूरत में क्लाइंट ने कहाँ जाना है, किससे बात करनी है और किस फ़ोन नंबर पर रब्ता करना है, ये सब मालूमात क्लाइंट को देना बहुत ही अहम है। आप अपने क्लिनिक में इस तरह के रेफरल बोर्ड की मौजूदगी को यकीनी बनाएं जिसमें ना सिर्फ मुतबादल सर्विस प्रोवाइडर बल्कि गवर्नमेंट के इदारों के बारे में भी मुकम्मल मालूमात का इंदराज हो। याद रखिए, कंटिन्यूटी ऑफ केयर के अमल को यकीनी बनाने से ना सिर्फ क्लाइंट और प्रोवाइडर के दरमियान एतमाद की फिजा कायम होती है बल्कि दी हुई सर्विस के बारे में क्लाइंट के इत्मीनान में इजाफा होता है।